हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आई होप आप लोगों ने नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। सो अभी ना एक्चुअली चंकी ज्वेलरी और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ये सब ना बहुत ट्रेंड में है। सो आई थिंक अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स और भी आने वाले हैं, दिवाली, भाई दूज और भी बहुत सारे ऐसे हैं, गोवर्धन पूजा, ये सब बहुत अभी एक साथ में दिवाली के बाद ना मतलब 5-6 छोटे छोटे फंक्शंस हैं वो बहुत सारे अभी आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ना कुछ बहुत अच्छे वाले मीन्स आई एम अभी ना थोड़े टाइम से ना मैं मीशो की बहुत फैन हो गई हूँ। आई थिंक ओनली फॉर ज्वेलरी और ड्रेसेस में भी, बट ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज उनकी जो क्वालिटी आ रही है ना वो लिटरली बहुत औसम है। तो मैंने मीशो से ना पहले कुर्तीज, ड्रेसेस, ऐसा सब बहुत कुछ मंगवाया हुआ है, ज्वेलरी में भी मंगवाया हुआ है, बट मैंने ना ब्रेसलेट और हाथ में पहनने के लिए ना मतलब मैं थोड़ा मतलब वो हो रही थी कि मुझे लेना चाहिए या नहीं, बट अभी ना मतलब मैं थोड़ा फैसिनेटेड हूँ बैंगल्स और ऐसे सबको लेके। तो इसीलिए ना मैंने बहुत ऐसा बैंगल्स वगैरह मंगवाया हुआ है फ्रॉम मीशो इट्सेल्फ, बट उसकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है। और मैं ना धीरे धीरे मतलब मीशो की फैन होती जा रही हूँ। फ्रेंकली उनकी जो क्वालिटी मतलब जो जिस रेंज में वो दे रहे हैं ना, बहुत ऐसे सेलर्स हैं ना मीन्स थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं, बट लिटरली एक की वजह से सबको ब्लेम करना वो सही नहीं होगा। सो मैंने ना बहुत ढूंढ के और बहुत मतलब शांति से मैंने कुछ अच्छी बैंगल्स या ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट लवर है, जो कड़ा लवर्स है, मतलब ना उनके लिए मैंने बहुत अच्छे ऑप्शंस ढूंढ के लेके आई हूँ। तो जो मैं फर्स्ट लेके आई हूँ ना ये है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना गोल्डन का ब्रेसलेट है। ये यहाँ से साइड ओपन है पर इसको आप कोई भी साइज में फिक्स कर सकते हो आराम से, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मींस ये ना मुझे 200 रुपीज में मिली थी, बट लिटरली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये गोल्ड बेस पे है और अंदर की भी फिनिशिंग ना बहुत अच्छी की गई है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, मैं एक बार आपको पहन के दिखाती हूँ इसको, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक इतनी समझ लो 1.5 इंच जितनी इसकी ब्रॉड है, वेट है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये मेरा फर्स्ट परचेज था। मैं इसको पहन के बताती हूँ। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, मीन्स बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। तो यस, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो मैंने ना गोल्ड और ऑक्सीडाइज दोनों मिक्स करके परचेस किया है। आई थिंक ऑक्सीडाइज भी अभी बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस है जहां पे आपको यूजफुल आ सकते हैं, तो मैंने उस तरह से मंगवाया हुआ है। फिर सेकेंड ना मैंने ये मंगाया था, ये भी ना बहुत खूबसूरत सा रेट्रो स्टाइल में ना आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। इसका जो मेटालिक फिनिश है ना वो लिटरली बहुत ऑसम है, मींस जो डिटेलिंग की गई है ना वो बहुत अच्छी है, और क्वालिटी भी मतलब ये आई थिंक ये मुझे बहुत सस्ता ही मिला, आई थिंक 163 रुपीज में मिला, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मींस मतलब जो फिनिशिंग की गई है ना आप देखो, एकदम बारीक फिनिशिंग है, और जो ये स्टोन है ना मतलब वो इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसकी रौनक बढ़ा रहा है। मतलब ये स्टोन इसमें आई थिंक 2 ऑप्शंस थे, बट मुझे ये ग्रीन पसंद आया अभी, मतलब ये वाला ना मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत सेट लग रहा था, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था। मैं इसको एक बार पहन के बताती हूँ आपको। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इस तरह से है, तो ये मैंने सेकंड ऑर्डर किया था। और ये सभी ना हैंडकफ स्टाइल में है, मींस आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो तुरंत से मतलब फोल्ड हो जा रहे, बट थोड़ा आपको प्रेस करना पड़ रहा, बट क्वालिटी वाइज इट्स टू गुड। मतलब 163 रुपीज में ये मुझे मिला था। इसकी प्राइस इसलिए याद है ना मुझे क्योंकि मतलब इस टाइप की क्वालिटी आई थिंक 150 रुपीज में ना मुझे बहुत सही मिला। अगर आप बड़े स्टोर में कहीं से ले रहे हो ना तो मीन्स कहीं पे भी ये 400-500 से कम में नहीं मिलने वाला है। सो मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी अगर बाय लक और बाय चांस अगर ये अभी अवेलेबल होगा तो। यस, ये मेरा सेकेंड परचेज था। फिर ना मैंने ऑक्सीडाइज में ही सब मंगवाया हुआ है। फिर ये थर्ड है,
इसके ना ये साइड पे पूरे घुंघरू लगे हुए दोनों साइड पे, और ये साइड ये बीच का है ना, मीन्स इस तरह से बीच में एक बैच है, और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मीन्स स्टर्डी है, बहुत स्टर्डी है, बहुत मतलब कफ्स टाइप में ना बहुत अच्छा है, ये देखिए। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, आई थिंक ये मुझे 260 या 262 ऐसे कुछ रुपीस में मिला था, बट क्वालिटी वाइज देखने जाए तो बहुत ऑसम है, तो मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। तो ये मेरा थर्ड बैंगल्स या ब्रेसलेट बोल सकते हो। फिर मैंने फोर्थ जो ऑर्डर किया है ना, ये सेट ऑफ आई थिंक 1 2 3 3 6 9 12 8, ये ना आई थिंक सेट ऑफ 21 है, पर ये बैंगल स्टाइल में है, मीन्स ये मतलब आगे से आप देखो ना तो सेपरेबल है, पर एंड से ये जॉइंट है, तो एक तरह से ना बैंगल्स की तरह मतलब ये थोड़ा फील देगा, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये थोड़ा कॉस्टली था, आई थिंक 280 या 285 समथिंग में मुझे मिला था, बट इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने ना बहुत स्टाइल डिफरेंट स्टाइल सोच के रखा है कि मैं किस तरह से इसको स्टाइल करने वाली हूँ, और अभी ना आप बहुत ट्रेंड में है, मीन्स आगे पीछे आप कड़ा पहन सकते हो और बीच में इस तरह के ब्रॉड वाले ब्रेसलेट या ऐसा कुछ आप पहनो ना, तो बहुत मतलब बहुत ऑसम लग रहा है, यूनिक स्टाइल में भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये मेरा थर्ड परचेज है, मैं आपको पहन के बताती हूँ। और ये सबकी क्वालिटी ना बहुत स्टर्डी है, मीन्स आराम से आपको चल जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कुछ, बट हाँ कुछ कुछ की ना क्या होती है, पहनने के बाद आपको पता चलेगा, अभी तो ये सही लग रहा है, बट क्या है ना कुछ की क्वालिटी ऐसी होती है ना कि पहनने के बाद आप देखो ना तो उसमें मतलब पता नहीं कुछ रस्टिक व्हाइट कलर का ना कुछ निकलने लग रहा है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में, तो ये मैंने एक चीज देखा हुआ है। पता नहीं अभी तो मैंने इसको पानी में या ऐसा कहीं यूज नहीं किया हुआ, मुझे जस्ट रिसीव हुआ है, तो अभी मैं इसका इतना रिव्यू नहीं दे पाऊंगी, बट क्वालिटी वाइज ये बहुत मस्त है, बहुत ऑसम आया है। तो यस, ये मेरा आई थिंक फोर्थ ब्रेसलेट था। फिर फिफ्थ जो मैंने ऑर्डर किया है वो ये कड़ा है, ये स्क्वायर शेप में है, मुझे अंदर से तो वो सर्कल है बट बाहर से वो स्क्वायर शेप में है, और मुझे ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, आई थिंक ये मेरा बेस्ट परचेज है, मीन्स इसकी जो फिनिशिंग है, जो क्वालिटी है, जो मेटालिक फील है ना वो बहुत अच्छी है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। अब इसको मैंने दो ही मंगवाया, मैं दूसरा मतलब ये साइज ना मुझे मतलब थोड़ा वो लग रहा था कि पता नहीं ये फिट होगा या नहीं, क्योंकि मुझे 26 वैसे फिट हो जा रहा है पर किसी किसी में 28 भी हो रहा है, तो इसलिए ना मैंने इसको अभी दो ही ऑर्डर किया था, अगर ये सही होता है तो फिर मैं ऑर्डर करूंगी, बट मेरा नसीब नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर रखने के लिए ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो आई डोंट नो अभी फिर अगर वो रीस्टॉक करते हैं मे बी तो यस आप परचेस कर सकते हो। तो ये है वो इसका जो कार्विंग है ना, जो यहाँ पे जो डिटेलिंग्स वगैरह किए ना वो बहुत ऑसम लग रहा है, तो मैं ये डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी। आई थिंक ये मुझे 262 रुपीज में मिला था, बट इसकी क्वालिटी वर्थ बाइंग है, तो यस। और मैं इसको किस तरह से स्टाइल करने वाली हूँ ना वो मैं आपको बताती हूँ, पहले तो मैं ये रख रही हूँ, और सेकंड में अगर मुझे चाहिए तो मैं इस तरह से भी रख सकती हूँ, तो ये देखो मैं इस तरह से भी इसको स्टाइल कर सकती हूँ। ये कड़ा है मतलब आगे पीछे बैंगल्स है और फिर साइड में कड़ा है, तो मैं एक तो मैंने ये इस तरह से सोचा हुआ है, और फिर और ये थोड़ा डार्कर साइड पे है, तो अगर ये मैच नहीं होता है तो मैं ना इसको इसके साथ पेयर करूंगी, और फिर देखो ये कितना मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक मतलब इस तरह से मैं पहन सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ इसको, मैं और भी देख रही हूँ ऑप्शंस, अगर मुझे मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो ये एक वो हो गया, और फिर जो मैंने लास्टली परचेज किया था वो ये है,
ये आई थिंक सेट ऑफ टू मुझे मिला है, ये भी आई थिंक 200 रुपीज में ही मुझे मिला था। ये इसको इस तरह से है, ये ओपनेबल है, मतलब इसकी वायरिंग जो की गई है ना वो बहुत अच्छी है। ओनली थिंग जो मुझे इसका क्वालिटी वगैरह सब सही है, मतलब पॉलिश और जो फील है ना इसका वो सब सही है। ओनली थिंग इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसकी जो फिनिशिंग है ना वो सही नहीं है, मतलब इस तरफ से ना बहुत मतलब कि रफ है, मतलब पूरे अगर आप देखो ना तो मतलब इस तरह से अगर स्क्रैच करो ना तो पूरा ये आ जा रहा है। मतलब मुझे ये बहुत रिस्की लगा क्योंकि इसकी फिनिशिंग वगैरह सही नहीं है, बट क्वालिटी वगैरह सही है। ओनली थिंग जो मतलब साइड से जो फिनिशिंग होती है ना, जो चोट ना लगे, जैसे जख्म ना हो, उस तरह से मुझे ये नहीं लगा, मतलब इसलिए मुझे इसको रिटर्न करना है। अदरवाइज बाकी सब जो मैंने परचेस किया है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। तो ये सेट ऑफ टू मिला था मुझे 205 और 210 में, तो यस इसकी क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी। ओनली थिंग अगर ये फिनिशिंग सही होता ना तो मैं इसको रख लेने वाली थी, और मैं पहन के बताती हूँ आपको। तो ये इस तरह से है, ये अदर सेलर, ये ना आई थिंक मैंने 3-4 सेलर्स के पास से देखा हुआ है, तो अगर मुझे सेम प्राइस या थोड़ा ऊपर भी अगर मुझे यही क्वालिटी मिल रही है तो मैं डेफिनेटली परचेस करूंगी इसको नेक्स्ट टाइम। अगर वो भी इस तरह से आएगा फिर मैं नहीं परचेस करने वाली हूँ। तो यस ये मुझे बहुत सही लग रहा है, देखो। तो ये सेट ऑफ टू आया था, आप साथ में भी अगर आपको थोड़ा ब्रॉड ऐसा कुछ पहनना हो ना तो आप साथ में भी पहन सकते हो, और मैं अगर ये चाहूं ना तो मतलब इस तरह से भी इसको पेयर कर सकती हूँ। ये देखिए अभी ना इस टाइप का बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मैंने एक अंदर नहीं पहना, आप पहन सकते हो, तो मैंने ये एक परचेस किया था। बट इसकी क्वालिटी मुझे इतनी क्वालिटी इन सेंस के क्वालिटी सही है, मतलब जो फिनिशिंग बोलते हैं ना, मतलब मैं कहीं पे भी रखूं ना मतलब कपड़े में या ये बहुत चुभेगा, मतलब ये पूरा निकल जाने वाला है, इसलिए मुझे ये एक सही नहीं लगा। अदरवाइज प्राइस के हिसाब से मैं इसको देखूं ना तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो यस दैट्स इट। आई थिंक बहुत ऐसे ऑप्शंस अभी और भी अवेलेबल है जो मुझे एक्सप्लोर करना है। लिटरली मैं मीशो की ना अभी धीरे धीरे फैन हो रही हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत अभी अच्छी आ रही है और वेराइटीज भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो में से ना आपको कौन सा कलेक्शन बहुत पसंद आया मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ये सबके ना लिंक्स कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो इफ इन केस इट्स अवेलेबल। अदरवाइज पता नहीं ये कब री स्टॉक होने वाले हैं, बट येस आई थिंक ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मुझे लिटरली बहुत पसंद आया, और इसको मैं बहुत ऐसे स्टाइल्स में मतलब पहन सकती हूँ, बहुत ऐसे तरीके से मैं पहन सकती हूँ। इसका जो मेटालिक फील है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये गेटिंग दिस इन 163 इसका मतलब इट्स लिटरली ऑसम। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, आप अगर अवेलेबल है तो प्लीज इसको ऑर्डर करेंगे, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक इसमें 2 कलर्स हैं, मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक में है, मैं सबके पिक्चर्स और कोड्स जो है ना वो मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक आउट कर सकते हो। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया होगा देन डू लाइक शेयर कमेंट and subscribe to my channel, that is Chetna Jay Kumar, and I'm really very sorry for my bad throat. मुझे cough and cold हो रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये reason मुझे नहीं पता। तो yes, maybe मेरी voice थोड़ी crack हो रही होगी। and अभी तक जिन्होंने subscribe नहीं किया है then do subscribe, press the bell icon for regular notifications. so yes, we will meet soon next time. मैं और भी अच्छे collections लेके आऊंगी आप लोग के लिए। so yes, till then, bye bye.